মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছে অনুষ্ঠিত কৰিলে বিশাল জনসভা। নতুন দিল্লীৰ ৰামলীলা ময়দানত নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ উদ্যোগত দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হয় এই বিশাল জনসভাৰ। মেহেংগাই পৰ হাল্লাবল শীৰ্ষক এই কাৰ্যসূচীত ভাগ ললে কংগ্ৰেছৰ বহু কেইগৰাকী আগশাৰীৰ নেতা, কেইবাখনো ৰাজ্যৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি আৰু সহস্ৰাধিক জনতাই। অসমৰ পৰা এই কাৰ্যসূচীত ভাগ লয় সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে। ৰামলীলা ময়দানৰ এই কাৰ্যসূচীত ভাষণো প্ৰদান কৰে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে। हिंदुस्तान में नफरत बढ़ रही है, उसी बात को दूसरे तरीके से कहना कि हिंदुस्तान में डर बढ़ता जा रहा है। किस चीज का डर? भविष्य का डर, महंगाई का डर, बेरोजगारी का डर, यह बढ़ता जा रहा है और इसके कारण हिंदुस्तान में नफरत बढ़ती जा रही है। और नफरत से क्या होता है? नफरत से लोग बढ़ते हैं, देश बढ़ता है और देश कमजोर होता है। बीजेपी और आरएसएस के नेता देश को बांटते हैं और जानबूझकर देश में भय पैदा करते हैं, लोगों को डराते हैं और नफरत पैदा करते हैं। अब सवाल उठता है, ये किसके लिए करते हैं और क्यों करते हैं? फायदा इस डर का, इस नफरत का फायदा किसको मिल रहा है? भाई और बहनों, क्या इस डर का फायदा, नफरत का फायदा हिंदुस्तान के गरीब आदमी को मिल रहा है? पिछले 8 सालों में आप मुझे बता दीजिए, हिंदुस्तान के गरीब आदमी को, किसान को, मजदूर को, छोटे दुकानदार को नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने क्या फायदा दिया? हल्ला बोल, हल्ला बोल, अरे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। मैं सबसे पहले इस मंच से आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जो आज आप लोगों ने जो संदेश आज देश को भेजा है, जो संदेश प्रधानमंत्री मोदी जी को भेजा है। अगर सत्ता पर बैठे हुए भाजपा ये सोचती है कि कांग्रेस पार्टी कमजोर है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपको निमंत्रण देता हूं, आइए इस रामलीला मैदान में और देखिए हमारे कांग्रेस पार्टी की शक्ति, देखिए राहुल गांधी जी का नेतृत्व, देखिए। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी डर गई? क्या आपको लगता है कि ईडी से राहुल गांधी जी डर गए? अरे आइए, और अगर आप में अगर हौसला है तो अगर मीडिया को आप निमंत्रण दीजिए, मीडिया को बोलिए कि यहां से प्रसारण दे, यहां से लाइव प्रसारण जाना चाहिए, ताकि देश को पता चलना चाहिए कि अगर एक पार्टी है जो देश के लिए लड़ रही है तो वो कांग्रेस पार्टी है, अगर एक नेता है जो देश के लिए लड़ रहा है वो राहुल गांधी जी है। ना हम ईडी के सामने, ना हम सीबीआई के सामने, ना हम आईटी के सामने हम माथा टिकने वाले हैं। हम सर झुका के नहीं, हम सर उठा के आंख से आंख मिलाकर सत्ता पक्ष के उनकी जितनी भी गलतियां हैं, हमारे सारे गलतियां हम उजागर करेंगे, हम लड़ेंगे, हम देश के लिए लड़ेंगे, किसानों के लिए लड़ेंगे, श्रमिकों के लिए लड़ेंगे, महिलाओं के लिए लड़ेंगे, हम मजदूरों के लिए लड़ेंगे। अरे ये कांग्रेस पार्टी का हाथ किसी नेता का हाथ नहीं, ये देश का हाथ है, ये युवाओं का हाथ है और हम सब आज देश के लिए लड़ रहे हैं।